Hi friends, this is Vishal Basnet and you're watching me in my YouTube channel. Please like, share and subscribe. Friends, आज मैं फिर एक नए रिसर्च वर्क के साथ आपके साथ आया हूँ और मैं आपसे आज एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में एक वर्ड बहुत ही वायरल हो रहा है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप लोगों ने डेफिनेटली इस नाम को सुना होगा क्योंकि अभी बहुत लोग हम लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, फेसबुक में हैं, ट्विटर में हैं, यूट्यूब में हैं और ये वर्ड जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत फेमस हो रहा है। चलिए इसके पीछे की बात जानते हैं। ये दवाई है एक और ये मलेरिया के पेशेंट के लिए यूज होता है। ये कहाँ से आया इसकी भी बात करते हैं। चिंकोना ट्री करके एक ट्री है जिसके छाल से ये दवाई बनाई जाती है और इसके छाल से निकलता है क्विन और इससे बनता है क्लोरोक्विन और इसका फाइनेस्ट वर्जन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और ये मलेरिया के पेशेंट के ऊपर यूज किया जाता है। अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिरोमाइथिन का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए तो COVID-19 या कोरोना वायरस पे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसकी सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं बता पाऊंगा मगर ये चीज उन्होंने ट्वीट किया था और अभी उन्होंने एक हेल्प मांगा पीएम मोदी से कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूएस एक्सपोर्ट किया जाए और इसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, और नरेंद्र मोदी ने भी इसको रीट्वीट किया था। तो इसके पीछे की कहानी जानते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है बहुत सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मलेरिया के लिए और ये इंडिया में कम से कम 8 से 9 कंपनियां बनाती हैं और इसको मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मलेरिया के पेशेंट है इसको दिया जाता है। अब ये इंडिया में क्यों ज़्यादा बनता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट इंडिया में पाए गए हैं और यहाँ पे जो मेडिसिन बनती है बहुत ही सस्ती है और बहुत ही इफेक्टिव है। अभी रिसेंटली वुहान में इसका टेस्ट किया गया और उन्होंने देखा कि कुछ हद तक वो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसी तरह से फ्रांस के एक फिजिशियन हैं डिडार रोटेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेलिंग इज DIDIERRAOULT, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने अपने रिसर्च में ये कहा कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिरोमाइथिन का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए है ना तो कोविड वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है और ये उन्होंने रिसर्च भी किया। कुछ करीबन 80 लोगों पे उन्होंने इस मेडिसिन को टेस्ट किया और उस 80 लोगों में से 78 लोग ठीक हो गए, सिर्फ 2 लोग ठीक नहीं हुए। तो उन्होंने ये मान लिया कि ये मेडिसिन डेफिनेटली COVID-19 पे यूज हो सकता है। उसी तरह से रिसर्च कहती है कि यूएस में भी इसका टेस्ट हुआ और इसका इफेक्टिवनेस पाया गया, इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी कि वो ये जो दवाई है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बनती है, बनने के लिए तो अलग अलग देशों में भी बनती है मगर बहुत कॉस्टली बनती है, इंडिया में ये सस्ती भी है और इफेक्टिव भी है, तो ये चीज उनको एक्सपोर्ट किया जाए और यूएस के लोगों पे इसका यूज किया जाए। नरेंद्र मोदी ने भी मतलब उनका साथ देने के लिए ये ट्वीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स मेरा ये नहीं कहना है कि ये दवाई आप लीजिए, प्लीज जब तक मेडिकल गाइडेंस नहीं हो ये दवाई मत खाइएगा क्योंकि बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है इससे। मगर ICMR इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च है ना, ये इन्होंने अलाउ किया है इस मेडिसिन को यूज करने के लिए जो मेडिकल वर्कर्स हैं जो कोविड पेशेंट के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए दवाई यूज करने के लिए उन्होंने कहा गया है। ठीक है, तो जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं है ना या फिर जो एनजीओस में काम कर रहे हैं जो सिर्फ कोविड पेशेंट या कोरोना वायरस को कंट्रोल करने वाले या उससे इफेक्टिव लोगों के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उनके लिए ये दवाई यूज करने के लिए कहा गया है और शायद ये हेल्प करे। अगर मैं बता दूं एजिथ्रोमाइसिन हमने जीवन में डेफिनेटली एक बार लिया होगा, ये क्या होता है एंटीबायोटिक है और कभी 3 दिन का कभी 5 दिन का या डॉक्टर जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरह से हम मेडिसिन इसको यूज करते हैं।
तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हम इनिशियल फेज में हैं ये कहने के लिए कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन काम करेगा या नहीं करेगा, मगर इस पे रिसर्च होना शुरू हो चुका है, कुछ लोग अच्छे हो चुके हैं, मगर वर्ल्ड में अभी तक ये ठप्पा लग के नहीं आया है कि यही एक मेडिसिन है जो COVID-19 या कोरोना वायरस को कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक ये मेडिसिन आप प्लीज 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 मत लीजिए। ये अभी तक रिसर्च फेज में है। ये जो वर्ड है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, तो मैंने सोचा कि यार एक नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाया जाए जो मतलब मैं आपके साथ डायरेक्ट इंट्रैक्शन कर सकूं और बता सकूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इसको ट्वीट किया है, उसको फिर रीट्वीट किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने, है ना। तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि कुछ लोग अच्छे तो हो गए हैं, है ना, मगर अभी भी इस पे पुख्ता रिपोर्ट आना बाकी है। तो जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आता है आप अपने घर में रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली खुश है, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस इज विशारद बसनेत सेइंग यू गुड बाय अगेन। फिर एक नए रिसर्च के साथ, एक नए रिपोर्ट के साथ जल्द मैं अपने यूट्यूब चैनल में आऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट सिंपल करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये लिंक डेफिनेटली भेजिए, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये वर्ड से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो शायद उनके भी नॉलेज में ये आ सके कि ये है क्या, इसका माजरा क्या है ना। तो अगेन आई से प्लीज डोंट हैव एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जब तक वो प्रिस्क्राइब नहीं करते आप इसको खाइए मत, या कोई भी दवाई मत खाइए। आप घर में रहिए, सेफ रहिए। से यू बाय एंड लव यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।